हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही यूनिक और टेस्टी बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 5 बैंगन लिए हैं, जो हम सब्जी बनाते हैं वही बैंगन लिए हैं, और 3 टमाटर लिए हैं मैंने। अब बैंगन को हमें कट करके लेना है, उसका साइड का हिस्सा हमें डंठल निकाल के फेंक देना है, और मीडियम साइज़ में हमें बैंगन को कट करके लेना है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत यूनिक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, वाचिंग बिल्कुल नहीं मिल रही है। इसे छोटे टुकड़े में ही कट करके लेना है। अब एक कढ़ाई लेके उसमें हमें बैंगन को ऐड करना है। अब मैंने 2 टमाटर काट के लिए है, उसे भी रफली कट करके लिया है मीडियम साइज़ में ही, इसे भी ऐड करना है। अब थोड़ा सा हमें तेल को ऐड करना है, 2 चम्मच इतना, स्मॉल चम्मच से हमें 2 चम्मच लेना है ऑयल, और इसे मिक्स करके ढक्कन लगा के इसको 4-5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही इसे पकाना है फ्रेंड्स सॉफ्ट होने तक। आप देख सकते हैं 4 मिनट के बाद सॉफ्ट हो गए हैं बैंगन और टमाटर। अब इसे हल्का सा ठंडा करके लेते हैं। अब इसे तड़का लगाने के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं बारीक कट करके, और प्याज के हरी पत्ती भी ली है बारीक कट करके, 2 टमाटर को कट करके लिया है, 1 चम्मच मैंने लहसुन को कट करके लिया है, और जो बैंगन और टमाटर हमें बॉईल करके लिए थे ऐसे भाप में, उसे भी मैंने बारीक करके ले लिया है एक लोटा की मदद से। आप तो चाहे तो सिल्वर ट्रे पर भी पीस सकते हैं इसको, नहीं तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेके उसमें मैंने 4 चम्मच तेल ऐड किया है। तेल गर्म होने के बाद उसमें डालना है हमें 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह की बैंगन की रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जीरे को अच्छे से फूलने के बाद हम उसमें लहसुन को ऐड करेंगे। आप चाहे तो लहसुन की पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे कट करके डालने से इसका लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब लहसुन को हल्का सा भूनने के बाद उसमें प्याज को ऐड करना है। हमें प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट करना है, जस्ट 1 मिनट के लिए पकाना है, उसका क्रंचीपन वैसे रहना है इसमें। 1 मिनट प्याज को भूनने के बाद हम बाद में उसमें टमाटर ऐड करेंगे। हमें प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट करके लेना है। अब 2 टमाटर को बारीक कट करके रखा था उसे ऐड करना है। आप टमाटर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने देना है। उसके बाद ऐड करना है जो स्प्रिंग ऑनियन है, उसे ऐड करना है। इसमें प्याज का बहुत ही टेस्ट बढ़िया आता है, प्याज की पत्ती का फ्रेंड्स, इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे भी ऐड कीजिएगा। अब सारी चीज़ों पे हमें 2 मिनट के लिए पका करके लेना है। 2 मिनट पकने के बाद उसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है, और हरा धनिया भी डालना है थोड़ा सा। फिर से अच्छे से मसाले मिक्स होने के बाद 1 मिनट पकाना है।
ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। अब 1 मिनट पकाने के बाद जो हमने बैंगन को सॉफ्ट करके लिया था उसे ऐड करना है, मैश करके रख दिया था पहले। आप इस तरह से बनाएंगे सब्जी तो बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। भूख नहीं थी आप एक की जगह 4 रोटी आराम से खा सकते हैं, इतनी टेस्टी बनती है ये बैंगन की। इस तरह से बनाएंगे चटनी और सब्जी जो भी आप बोलना चाहे, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी मेथड से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर से हमें 1-2 मिनट के लिए ही इसे पकाना है। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल के 1 मिनट पका के हमें गैस को ऑफ कर देना है। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं फ्रेंड्स। आप इसे जौरी की रोटी, चपाती, चावल के साथ खा सकते हैं, इतना टेस्टी बनता है कि फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले और एक रेसिपी के साथ।